गुलशन रावी मून मार्केट रमजान बाजार में मुख्तलिफ अशियाए खुरोनोश के स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ आए सार्फीन का कहना है कि रमजान बाजार में अशिया आम मार्केट की कीमतों पर फरोख्त की जा रही है। शहरियों ने रमजान बाजार में फरोख्त होने वाले गोश्त की क्वालिटी पर शदीद तनकीद की और कहा कि बाजार में बकरे की बजाय बकरी का गोश्त फरोख्त किया जा रहा है। अवाम को दोनों हाथों से लूटने वालों को खुली छुट्टी दे दी गई है, दुकानदारों को कोई पूछने वाला नहीं। उसमें कभी भी गदूद तोल के नहीं दिया जाता, उससे मैंने कहा, उसने कहा जी गदूद साथ आएंगे, मैंने कहा फिर साथ इसके खाल भी होती है तो खाल भी दो हमें काट के। उसको कोई पूछने वाला नहीं कि क्या है, जब ये जबकि ये दूसरे स्टॉल सारे अच्छे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर भी इनको चेक करना चाहिए। बकरियों का गोश्त बेच रहे हैं और बकरियां भी वो बूढ़ी वाली जो कि गलता नहीं है, गोश्त घर लेके जाओ वो गोश्त गलता ही नहीं है, इतना खराब गोश्त ये बेच रहे हैं बाकी स्टॉल माशाल्लाह। दूसरी जानब 60 फुट रोड शेरा कोर्ट पर लगाए जाने वाले इतवार बाजार में जगह कम होने के बायस शहरियों और स्टॉल होल्डर्स को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इतवार बाजार में सब्जियां तो मियारी और कम कीमत पर फरोख्त होती रही, मगर फलों के सिर्फ दो स्टॉल ही लगाए गए जिन पर सार्फीन का हद से ज्यादा रश रहा। इंतजामिया की जानिब से स्टॉल होल्डर्स को 11 बजे रेट लिस्टें फराहम की गईं। इंतजामिया का कहना था कि स्टाफ की कमी के बायस वो रमजान बाजारों में इजाफी ड्यूटियां सर अंजाम दे रही हैं, जिसके बायस रेट लिस्टें ताखीर से फराहम की गईं। कैमरा रिपोर्टिंग टीम के हमरा उमर असलम, सिटी 42।